एक शरीर की यात्रा है, एक सुरत की यात्रा है। कहानी कित्थे खड़ गई आके, अज बंदा कहिंदा कि मैनू गुरुद्वारे जांदे नूं इन्ने साल हो गए, तेनू जांदे नूं नहीं होए, तेरे शरीर नूं होए ने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तेरे शरीर नूं जांदियां बड़े साल हो गए ने, पर तू एक बारी चला गया ना, एक बारी जदों तू मुकम्मल तौर ते एक बारी गुरु कोल पहुंच गया, एक बारी गुरु की बुकल विच बैठ के गुरु के प्यार नूं माण लिया, ते मुड़ के दुनिया की कोई शक्ति तेनों गुरु तो दूर नहीं कर सकती। तू एक बारी जा, तेनों रोज रोज जाण की लोड़ ना पवे। एक गेड़ा इदां दा मार, एक फेरा इदां दा पा गुरु दे कोल, मुड़ के तेरा शरीर जिथे मर्जी फिरदा रहे, पर तेरा हिरदा गुरु नूं छड़ के कदे दूर ना जाए। होया की है गुरमुखो, शरीर आया, शरीर तुर गया, मन नहीं आया, ध्यान नहीं आया, सुरत नहीं आई गुरु दे कोल। शरीर यात्रा करदा रहा, सुरत ने यात्रा कीती नहीं, ते सुरत दी यात्रा कराउण वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश कीते। महाराज जी कहिंदे, मन तो शुरू कर प्यारिया, उस्तत मन में कर निरंकार। गुरु नूं मिलन जाना है, तेरे मन विच गुरु दी वडियाई होवे, रब दी उस्तत होवे, कर मन मेरे सत व्यवहार। तेरे जीवन विच जिहड़ा तेरा विहार है वह सच दा हो जाए, तेरे कर्म भी जिहड़े ने रोशन हो जाण। निर्मल रसना अमृत पियो, हे मेरी जेबा तू नाम दे अमृत नूं पी, सदा सुहेला कर लहि जियो। इस तरह दे नाल नाम दे अमृत नूं पी के अपनी जिंद नूं सौखी कर ला। बड़ी औखी है साडी जिंद गुरमुख हुण, सारी दुनिया विरलाप कर रही है, रो रही है, कितें अग्गां लग रही ने, कितें पग्गां लै रही ने, कितें घर फूके जा रहे ने, कितें बंदा बंदे दा वैरी बन के अपने जीवन दे विच अग दे ढेर ला के बैठा, ते अग दी सेज विछा के सुता होया। क्योंकि कलयुग नूं अग्नि दा रथ आख्या ना बाणी दे विच। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे, नाम दा अमृत पी रसना दे नाल, ते अपनी जिंद नूं सौखी कर लै। ते अगे गुरु पातशाह जी कहिंदे, नैनहो पेख ठाकुर का रंग। आ जग विच संसार दे विच जो कुछ हो रहा ना, ये जदों तो संसार बनया हुंदा आ रहा, ते हुंदा ही रहना। तू इहनूं देख के दुखी ना हो, इनू ते पार ब्रह्म परमेश्वर की खेड जान के, तमाशा जान के देख, ते तमाशे दे पिछे खड़ा होया, इस तमाशे नू जिहड़ा बनाउण वाला ते जिहड़ा चलाउण वाला उनू देख, उहदे वल ध्यान रख। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि आपां गुरु दे पिछे लगना ना, गुरु साहब की पैड दे उत्ते तुरना आपां। ते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते आप कह रहे ने, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। इस तमाशे नूं देख के क्यों रोई जाना, क्यों दुखी होई जाना, क्यों झूरदा है मेरे मना। तू देखना ते इस नजरिए नाल देख, नैनहो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। जदों तेनों सचमुच हिरदे करके, सुरत करके गुरु की संगत, गुरु के प्यारियां की संगत मिल गई, बाकी सब कुछ तेनों फिर भुल जाना, तेनों चेते नहीं रहना। जे इत्थे बैठ के भी सानू होर कुछ चेते आ रहा, तो अजे संगत नूं आपां पा नहीं सके। तो अगे वचन आया, चरण चलो मार्ग गोविंद, यह सुरत का पेंडा। चरण चलो मार्ग गोविंद, ते उहदी चाल की है, निशानी की है, तुरन दी निशानी की है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने अगली पंक्ति विच दस्सता किहड़े चरणां दी गल हो रही है। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिट है पाप जपिए हर बिंद। ज्यों ज्यों नाम जपोगे तुहाडा अंदर तुर पवेगा, तुहाडी सुरत दे चरण तुर पैणगे,
ज्यों ज्यों सिमरन गुरु की बाणी सतगुरु का शब्द तुहाडी रसना ते आएगा तुहानू इदां लगेगा शब्द सानू जिथे असी जी रहे सी उत्थों अपनी उंगली फड़ा के किते होर दुनिया विच लैके जा रहा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिट है पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सरवन हर कथा, शुभ कर्म कर ते कन्ना दे नाल उदी वडियाई नू सुन ते पहुंचेगा किथे हर दरगह है नानक उज्जल मथा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे घर दे विच तेरा मुख उजला हो जाएगा, तू सुरखरू हो के जिथे तू पहुंचण वास्ते आया उथे पहुंच जाएगा।